Okay. Hi everyone, good evening Kolkata. Awaaz bahut slow aa rahi hai. Good evening. Okay, great. अभी आप लोग सुबह से आज कुछ ना कुछ बहुत इनोवेशन एंड बहुत सब कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल रहा है. मेरे ख्याल से आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे. ओके, ग्रेट. सो माई सेल्फ डॉली भाटिया, आई एम फ्रॉम एसके ब्यूटी रिसोर्सेज विच इज़ हैंडलिंग ऑलमोस्ट इंटरनेशनल ब्रांड्स. सो जिसकी आज मैं बात करने जा रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कसमारा. आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पहले कसमारा का नाम सुन रखा है? ओनली यू? हाँ, वेरी फ्यू पीपल्स. ओके, सो आप प्लीज़ मुझे एक माइक भी साथ देंगे. एंड माइक. ओके, अभी आप में से जितने लोगों ने कसमारा को यूज़ किया है या जो उसके बारे में कुछ भी जानते हैं, क्या थोड़ा सा मेरे साथ शेयर करेंगे? इज़ इट वर्किंग? मेरे साथ कोई शेयर करना चाहेगा प्लीज़? योर गुड नेम? ओके, प्लीज़. इट्स नॉट वर्किंग, प्लीज़ देख लीजिए. आई एम सॉरी. सो यशा, आप कहाँ? रायपुर से है ना? शायद आप मेरे सेक्शन पे भी आए थे. मैं 10 ईयर्स से वर्क कर रही हूँ. मैं बहुत छोटी थी तब से मेरी मॉम वर्क कर रही थी, उसके साथ साथ मैं भी वर्क कर रही हूँ. तब से मैं देख रही हूँ, इट इज़ अ बेस्ट प्रोडक्ट. आई एम मतलब मैं बहुत अच्छे से उसको जानती हूँ. ओके, ओके, थैंक यू सो मच. क्योंकि अभी आप में से बहुत लोग हैं, अगर मैं और सबसे पूछूँगी बहुत टाइम लग जाएगा. सो अभी मैं बात शुरू करती हूँ कसमारा, जो कि एक स्पेन का प्रोडक्ट है. ओके, 98% नेचुरल प्रोडक्ट है. बिकॉज इसके अंदर जो एक चीज़ नेचुरल किससे होती है? इंग्रेडिएंट से, राइट? सो ये जो इसके इंग्रेडिएंट हैं, ये हमारे सी मिनरल बेस्ड हैं. ओके, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कसमारा के लिए ये बताना बहुत ज़रूरी है, जिस चीज़ के लिए हमेशा ये फेमस रहा है, दिस इज़ द मदर कंपनी जो ये मास्क को सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में सबसे पहले लेकर आए थे. ये इनकी ये फाउंडर थे. कसमारा इज़ द फाउंडर जिसने इन मास्क को लॉन्च किया. आज के टाइम में आप जानते हो, आपको सब कंपनी में एलगे पील ऑफ मास्क मिलते हैं. आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? पीछे भी जो बैठे हैं सुन पा रहे हैं? नो? ओके, सो अभी हम बात करने जा रहे हैं कसमारा की, जो कि नेचुरल है. अभी आप मुझे ये बताइए, आप क्लाइंट की स्किन के साथ फेशियल करते हैं, हर किसी की एक ही रिक्वायरमेंट होती है, ग्लो एंड शाइन और लाइटनिंग. आई थिंक यही रहता है ना सबकी रिक्वायरमेंट, कि अपने क्लाइंट के लिए हमें ग्लो चाहिए, हमें शाइन चाहिए एंड बस कुछ वाइटनिंग का फील आ जाए. तो आप क्लाइंट को वाइटनिंग किसके साथ, क्या नेचुरल के साथ देते हैं कि केमिकल के साथ देते हैं? वाइटनिंग किसके साथ देते हैं? सॉरी. ओके, अभी हम क्या करते हैं, एक ग्लो और वाइटनिंग के लिए तो आप लोग एक ब्लीच भी यूज़ करते हैं, तो क्लाइंट के स्किन में बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है. क्या वो अच्छा है स्किन के लिए? बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि वो हमारी स्किन के स्टेम सेल्स को कितना डैमेज कर देता है. अगर हम बात कर रहे हैं एक नेचुरल फेशियल की, जो हमारी स्किन के जो हमारे सेल हैं उनके DNA को प्रोटेक्ट करता है, उनके अंदर एक अच्छा हाइड्रेशन देता है, नरिशमेंट का लेवल देता है. अगर किसी की स्किन का pH अच्छा है तो उसकी स्किन के अंदर नेचुरल शीन रहता ही रहता है. कसमारा स्किन के pH लेवल को एनहेंस करता है, इम्प्रूव करता है. कसमारा जो कि बेसिकली फेमस है अपनी हाइड्रेशन के लिए, नरिशमेंट के लिए. अगर हम किसी की स्किन को एक क्वालिटी अच्छा कर रहे हैं, स्किन का टेक्सचर अच्छा हो रहा है, स्किन के अंदर शीन नेचुरल आ जाता है. क्या आप मेरी बात से एग्री हैं? यस. सो आप में से कितने लोग pH पे बिलीव करते हैं? व्हाट इज़ pH? आप में से कितने लोग pH पे बिलीव करते हैं कि सच में अगर स्किन का pH अच्छा है तो स्किन हेल्दी होती है, कि ऐसे ही? आप मैम प्लीज़ आप शेयर करना चाहेंगे. स्किन का हाइड्रेशन होता है, जो ऑयल एंड वाटर का बैलेंस जो होता है, वही वही है pH बैलेंस. ओके,
ग्रेट. आपका नाम? प्रतिमा. प्रतिमा के लिए क्लैपिंग्स होना चाहिए. आप में से कोई भी बात अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करता है, कुछ भी आपको कुछ बता रहा है, तो उसके मोटिवेशन के लिए क्लैपिंग तो बनता ही है. ओके ओके, थैंक यू. सो अभी हम बात करने जा रहे थे फेशियल की. उसके पहले मैंने जस्ट थोड़ा सा आपको ब्रीफ दिया होगा, आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ. नेचुरल प्रोडक्ट की, ठीक है, नेचुरल, जो कि गोजी बेरी पे बेस्ड है, जिसका मेजर मेन इंग्रेडिएंट है गोजी बेरी. गोजी बेरी जिसके अंदर लॉट ऑफ रिचनेस के साथ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ओमेगा 3, 6 और 9 हैं, हीलिंग एक्सट्रैक्ट हैं जिसके अंदर, जो हमारी स्किन पे कोलेजन एंड इलास्टिन, जो हमारी स्किन का मेजर बॉन्ड रहता है कोलेजन इलास्टिन, ये उस पर जाके काम करता है. कोलेजन इलास्टिन से आप लोग कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं? एनीवन? कोलेजन इलास्टिन, यू नो, ओके. कोलेजन इलास्टिन हमारी स्किन का मेजर बॉन्ड रहता है. अगर किसी की स्किन में कोलेजन इलास्टिन लेस होता जाता है, स्किन क्या हो रही है, सैग होना शुरू हो जाती है. ओके, स्किन के अंदर क्या आना शुरू हो जाते हैं, रिंकल स्टार्ट हो जाते हैं. तो अभी हम अपने फेशियल की बात कर रहे हैं जो कि गोजी बेरी बेस्ड है, जिसकी स्पेशलिटी यही है. आज मैं इसमें आपको जो एक फेशियल जस्ट शॉर्ट साइ क्लिनजिंग का रहेगा, क्लिनजिंग के साथ एक मास्क एप्लीकेशन दूंगी, क्योंकि जिन मास्क की मैं आपको इतना तारीफ़ कर रही हूँ, जो मास्क इतना फेमस हैं, उस मास्क का आपको एक फील देखना, इसका सामने अप्रोच देखना कि इसके साथ हम कितना ग्लो लेके आ रहे हैं, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है. ओके, सो मुझे आप में से ही कोई एक पर्सन मॉडल चाहिए. आपका स्किन तो वैसे ही बहुत अच्छा है, आपके साथ मैं अगर डेमो करूँगी तो सब बोलेंगे मैडम वो तो ऑलरेडी अच्छी हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते हम तो. हाँ, आप भी आ सकते, आप आ जाइए. यस, योर गुड नेम, सॉरी, आपका नाम क्या है? लकी. हाँ, लकी. लकी, ओके, गुड. सो मैं अभी लकी के फेस पे अपने प्रोडक्ट्स के साथ जस्ट क्विकली एक क्लीनअप एंड एक मास्क का जो आपको डेमोंस्ट्रेशन दूंगी, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से. एक मिनट, आप अपना सबको स्किन एक बार सामने दिखा भी सकते हैं कि स्किन में अनइवन स्किन भी है, स्किन के अंदर आपको एक जो फील मिलेगा, एक रिफ्रेशिंग का स्किल मिलेगा. सो स्किन किस लेवल पे इवन हो जाएगी, स्किन के अंदर हाइड्रेशन आएगा, स्किन के अंदर नरिशमेंट आएगा, ये सारी चीज़ें जब हम प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे, एक एक स्टेप पर आपके साथ शेयर करेंगे. आप प्लीज़ आ जाइए, कम. हाँ, प्लीज. हाँ, आप ऐसे ले चलिए. कंफर्टेबल? आप सबको दिखेगा. सबसे पहले मैं इनके फेस पे, अच्छा, अगर हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं प्रोसेस, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए स्किन पे? क्लिनजिंग. ओके, क्लिनजिंग से पहले, सुन नहीं पा रहे, क्लिनजिंग से भी पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि होना चाहिए, मेरे ख्याल से आप लोग करते होंगे शायद. यस, टेल मी प्लीज. फर्स्ट ऑफ ऑल सैनिटाइजेशन, देन हार्मोनाइजेशन. वेरी गुड, वेरी गुड. इनके लिए क्लैपिंग होना चाहिए. सैनिटाइजेशन ठीक था, हार्मोनाइजेशन एंड सैनिटाइज के बीच में भी कुछ होता है. किसी का अगर आप क्लिनजिंग शुरू कर रहे हैं तो क्या उसका मेकअप रिमूव नहीं करेंगे? करेंगे ना. ओके, मेकअप रिमूव होगा, क्योंकि अगर आपने मेकअप रिमूवल अलग से यूज़ नहीं किया तो आप जो भी क्लिनजर ले रहे हैं उसके साथ सारा फेस, तो उसका मस्कारा है, उसका काजल, सब थोड़ा सो मैसी सा फील होगा. आप उस सबसे पहले आप क्या करते हैं, मेकअप रिमूव करते हैं. सैनिटाइजिंग तो डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का क्लाइंट भी एक खुद फील चाहता है ऐसा. ये आप रखिए.
आपने पहले कभी ट्राई किया? जी यस मैम। हाँ नहीं किया। ओके सो मैं बात करने जा रही हूँ सबसे पहले अपने हीरो प्रोडक्ट की। दिस इज माय हीरो प्रोडक्ट बैलेंस क्लेंजर। मैं अगर बात करूँगी स्किन की तो 90% स्किन पे ये बैलेंस क्लेंजर काम करता है। रेस्ट 10% स्किन के लिए जो ऑयली एक्ने कॉम्बिनेशन में है उसके लिए बट ऑबियस हमारा क्लेंजर अलग है, बट 90% इसका नाम ही बैलेंस है। तो ये क्या काम कर रहा होगा अगर इसका नाम ही बैलेंस है क्लेंजर का, ये क्या वर्क कर रहा होगा? यस यस बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। क्या होता है जब हम क्लेंजिंग करते हैं हमारी स्किन एसिडिक से एल्कलाइन पे चला जाता है, लेकिन हमारा जो बैलेंस क्लेंजर है जिसके अंदर ऑलरेडी एलेंटोन है ऐसे इंग्रेडिएंट हैं कि इस क्लेंजिंग के बाद हमारी स्किन 0% ड्राई नहीं होगी। ओके ड्राई डिहाइड्रेट यंग मैच्योर ऑल स्किन टाइप है, क्योंकि मैच्योर स्किन भी ड्राई हो सकती है यंग स्किन भी हो सकती है। ये उसके साथ इतने अच्छे से काम करता है कि आपकी स्किन को 0% ड्राइनेस का फील नहीं देता। इसके साथ हम मेकअप रिमूव भी कर सकते हैं, इट्स ए वेरी गुड मेकअप रिमूवल ऑल्सो। ओके हाँ किसी का बहुत स्टबन है लिपस्टिक, बहुत ही मैट है, तब हमें मिनरल ऑयल की नीड पड़ती है क्योंकि हम हमेशा मेकअप को मिनरल ऑयल के साथ ही क्लींस करते हैं। मेकअप को हम लोग पानी से क्यों नहीं साफ कर पाते? मेकअप वाटर से क्यों नहीं रिमूव हो सकते? एनीवन मेकअप वैक्स बेस होते हैं ना, वैक्स बेस को तो आप मिनरल ऑयल से ही क्लीन करोगे, वाटर से आप करते रह जाओगे वो स्प्रेड होगा बट क्लीन नहीं होगा। ठीक है आप सब लोगों को विजिबल हो रहा है? ओके मैंने बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया। सबसे पहले मैंने क्लींजर को लेके मैं क्या करने जा रही हूँ, ओके मेरे को ये कॉटन पैड क्यों यूज़ करने पड़े, इसका पर्पस क्या था? मैं फिर से क्लींजर ले रही हूँ। Close your eyes. अभी इसके बाद वो तो मेरा हो गया आई मेकअप के लिए। इनका लिपस्टिक बहुत इजीली रिमूव हो गया। अगर स्टबन रहता है या बहुत मैट रहता है तो हमें फिर से क्लींजर की और नीड पड़ती है। ओके सेकेंडली मैं आईज क्लींज करने जा रही हूँ। ये दो इम्पॉर्टेंट आपके काम हो जाते हैं, देन आप जो काजल है एंड देन ग्लाइड इट। फिर भी हमें लगता है कुछ है तो उसको एक बार हम दूसरा साइड से लेके देन ग्लाइड इट। ओके okay?
अभी इसके बाद मैंने क्लिंजर ले लिया, लेकिन मैम ने थोड़ा सा कुछ आपने फेस पे कुछ सनस्क्रीन या कुछ लगाया हुआ है? ओके, सो वो भी हमें वेट कॉटन के साथ पूरा रिमूव करना ज़रूरी है। आप लोग देख रहे हैं मैंने बहुत थोड़ा सा क्लिंजर लिया है, बहुत कम क्लिंजर लेके मैं इनके फेस पे सबसे पहले मैं स्प्रेड कर रही हूँ। मेरा क्लिंजर बहुत मॉइस्चर बेस है, जनरली जो दूसरे क्लिंजर्स रहते हैं हमें उसके साथ क्लिंजर लेते ही वाटर की नीड रहती है, बट कस्मारा के बैलेंस क्लिंजर में ऐसा नहीं है। पानी हम भी लेंगे, यूज़ करेंगे, विदाउट वाटर तो क्लिंजिंग नहीं होगा, लेकिन अभी क्या है कि एकदम से ही प्रोडक्ट को लेते ही हम पानी नहीं लगाएंगे, प्रोडक्ट हमारा डाइल्यूट हो जाएगा, जो उससे हमें अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए कहीं ना कहीं उस पर इफ़ेक्ट आ जाएगा। सो मैडम आप कंफर्टेबल हैं? ओके, आपको प्रोडक्ट का फील कैसा लग रहा है? लाइट है, हैवी है? लाइट है एंड कुछ थोड़ा सा कूलिंग का फील था। ओके, सो मेरे क्लाइंट को जो कि मैंने उनसे भी पूछा, अब मैं थोड़ा सा वाटर ले रही हूँ, मैंने जैसे कि उनसे पूछा कि आपको प्रोडक्ट का फील कैसा लगा, एक्चुअली इट्स वेरी माइल्ड, बहुत ही लाइट है ये, इसका जो इसके अंदर नेचुरल जो इसका फ्रेग्रेंस है, इसके अंदर कुछ भी सिंथेटिक नहीं है, इस वजह से ये बहुत लाइट फील होता भी है। एंड जैसे ही हम क्लिंजर को स्किन पे अप्लाई करते हैं उसके अंदर आपको एक कूलिंग का फील भी रहता है, ओके, बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन। आपने देखा मैंने बहुत कम प्रोडक्ट लिया था, बट बहुत इजीली मेरे हैंड मूवमेंट भी हो रहा है एंड मेरे क्लाइंट को भी कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि उनके फेस पे प्रोडक्ट बहुत कम है। नेचुरल प्रोडक्ट जनरली आप लोग जो क्लिंजिंग करते हैं कितना क्लिंजिंग करते हैं, कितना टाइम, कोई भी जो आप फ्रंट में बैठे हैं क्लिंजिंग कितना टाइम? 3 मिनट। ओके, क्लिंजिंग वैसे कैसे होना चाहिए, एक सर्टन टाइम होता है या कुछ क्लाइंट की जो स्किन की नीड है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? क्लाइंट की स्किन की नीड रहती है, कभी कभी हमें एक के बाद दोबारा भी क्लिंजिंग सेकेंड टाइम भी करना होता है, सो डिपेंड, बट जनरली 3 मिनट का टाइम एक आइडल टाइम माना जाता है, लेकिन मेरे क्लिंजर के साथ आपको 5 मिनट तक क्लिंजिंग देना है। कोई बहुत सेंसिटिव स्किन है तो 3 मिनट ओके है, बिकॉज ये नेचुरल है तो इट विल टेक टाइम, ये थोड़ा सा स्किन में जाके टाइम लेगा। ओके, अभी इसको मैं बस अब क्लीन करने ही जा रही हूँ, इसको हम आइस के साथ भी अच्छे से काम करेंगे क्योंकि आइस के ऊपर भी जो हमारा थोड़ा सा स्किन का डार्कनिंग है, अनइवन स्किन है, वो भी इवन का फील आता है। आप लोग देख रहे हैं मैंने बहुत कम प्रोडक्ट लिया था, लेकिन स्किन से किस लेवल पर क्लिंजिंग होकर बाहर आ रही है। आप लोग को विजिबल हो रहा है? विजिबल हो रहा है ये? स्किन से किस तरह का, जबकि मैंने पहले वेट वाइप से क्लीन कर लिया था, बट फिर भी कितना अच्छा रिजल्ट आया है। आई एम सॉरी। ओके, आपने देखा किस तरह का रिजल्ट आ रहा है स्किन पे बैलेंस क्लिंजर के साथ। अब मैं इनको क्लीन करने जा रही हूँ।
Okay. It's a type of cleansing. Venous cleansing. Again, tissue dry. आप एक मिनट फेस ऊपर करेंगे, आप देखेंगे क्लिनजिंग से ही इनका फेस कितना क्लीन हुआ है। किसी को लग रहा है नहीं? अगर स्किन इनका क्लींस हुआ है, एक मिनट आप प्लीज़ अपना थोड़ा फीडबैक शेयर करेंगे क्लिनजर के साथ, कैसा था, क्या फील था? गुड था, अच्छा है, माइल्ड है ना? बहुत अच्छा, सॉफ्ट भी है। सॉफ्ट है, माइल्ड है। आपने देखा इनका स्किन क्लींजर से ही इवन टोन में आ गया है। आप लोग ऐसा लग रहा है तो उनके लिए क्लैपिंग होना चाहिए। मुझे क्लैपिंग की बहुत इंतज़ार रहती है एक्चुअली, और जब कहीं नहीं होता तो मैं खुद बोलती रहती हूँ क्लैपिंग होना चाहिए। थैंक यू सो मच, कम प्लीज़। सो अभी इनके साथ हम प्रॉपर फेशियल नहीं ले रहे हैं क्लींजिंग करके, अब मैं मास्क की एप्लीकेशन दूँगी। बट जस्ट आप लोगों को एक बार मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट का फील कराने के लिए, जो मेरे प्रोडक्ट का सेकंड स्टेप है, मैं जस्ट प्रोडक्ट का फील देने के लिए अप्लाई कर रही हूँ, देन रिमूव कर दूँगी। आप लोगों को यू जस्ट गेट आइडिया कि हाँ, जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो प्रोडक्ट है क्या। दिस इज़ ए सेकंड स्टेप नेचुरल पील, ओके। कसमारा के अंदर जो आप लोग अलग से एक्सफोलिएटर यूज़ करते हैं, ग्रेनुअल बेस होते हैं, स्क्रब बेस होते हैं, बट दिस इज़ वेरी माइल्ड प्रोडक्ट। इसके अंदर 3 मेजर इंग्रेडिएंट हैं, मैं उनको भी आपके साथ शेयर करूंगी। मैं साथ साथ एप्लीकेशन भी कर देती हूं। इसकी एप्लीकेशन बाउल में लेके होना चाहिए 4 to 5 ड्रॉप्स, लेकिन मैं यहां पे डायरेक्ट इनको लेके, आप लोग ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम डायरेक्ट ऐसे करेंगे कभी क्लाइंट के कहीं आई में या किसी भी एरिया में जाएगा वो उसके लिए अनईजी रहेगा। ओके, इसको लेके हम इसके साथ जस्ट 3 मिनट के लिए क्लाइंट की स्किन पे इसको होल्ड कर देते हैं। लीव ऑन प्रोडक्ट है, लेकिन हम इनके साथ जल्दी रिमूव कर देंगे। रीज़न क्या होता है, हमें क्लाइंट की स्किन को भी देखना है। अगर किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिव पे देना नहीं है, नॉर्मल है, क्योंकि इसके अंदर 3 मेजर इन्ग्रीडियंट हैं, ग्लाइकोलिक, लैक्टिक एंड सैलिसिलिक। ग्लाइकोलिक जिसका काम है स्किन से टैनिंग रिमूव करता है, लैक्टिक जो कि वाइटनिंग देता है, एंड उसके बाद सैलिसिलिक है जो कि स्किन पे कॉमेडन्स, ब्लैकहेड्स को सॉफ्टन कर देता है, जो कि हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। वैक्स ऑन, वैक्स। ओके, वेरी माइल्ड फिंगर्स के साथ आप इसको कॉटन को क्लीन कर, कॉटन के साथ क्लीन करते करते ऑन करो, गर्म करो। अगर क्लाइंट की स्किन के एपिडर्मिस में ब्लैकहेड, व्हाइटहेड्स हैं, उसके लिए हमें अलग से आपको पिन लगाने की कोई नीड नहीं रहती है, वो बहुत इजीली इसके साथ ही रिमूव हो जाते हैं। इसके बाद हमें अच्छे से फेस को फिर से क्लीन कर देना है। क्लाइंट को रिलैक्स देने के लिए थोड़ा सा हम कोल्ड कंप्रेसर भी यूज़ करते हैं।
अगेन टिश्यू ड्राई। टिश्यू ड्राई हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट प्रोडक्ट को स्किन के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट कराना है तो हमें टिश्यू ड्राई करना भी उतना ही ज़रूरी है। ऑलरेडी हमारी स्किन अगर वेट है तो जो सेकेंड एप्लीकेशन हम देना चाह रहे हैं, यू सी जस्ट मैंने अभी दो मिनट के लिए, प्लीज़ एक बार, अभी मैंने सिर्फ एप्लीकेशन किया था मिनट के लिए, मैंने टाइम भी नहीं दिया, बट इन दो स्टेप के साथ इनका स्किन कितना अच्छा शीन करने लगा। ओके थैंक यू, प्लीज़। अब मैं इनके ऊपर मास्क अप्लाई करने जा रही हूँ। मैं अभी जो इनके साथ यूज़ करने जा रही हूँ, वैसे तो मेरे पास कसमारा में 10 तरह के अलग अलग मास्क हैं, अलग अलग स्किन टाइप के, एंड एज वेल एज़ ये अभी मैं प्रेस्टीज रेंज की बात कर रही हूँ, हमारे पास कसमारा में लग्जरी रेंज भी रहता है। कसमारा अपने आप में लग्जरी फेशियल है, बट इसके अंदर भी प्रेस्टीज एंड लग्जरी दो कैटेगरी अलग अलग रहती है। अभी आप लोग दूसरे यूज़ करते होंगे मास्क, तो आप देख रहे हो इसका एलगे, जो इसका आप जेल देख रहे हो कितना थिक है, यू सी। जो भी लोग पील ऑफ मास्क यूज़ करते हैं, बट ऑब्वियस करते होंगे, इसका जो हमारा जो जेल है इसका, दैट इज़ डिफरेंट, प्योरली एलगे से जो बना हुआ है और एक थिकर फॉर्म में है। अभी फर्स्ट मैंने जेल ऐड किया था, सेकंड मैंने जो इसमें मिक्स किया है, दिस इज़ पाउडर, हमारा जो इसका बेस रहता है, एल्गे एंड पाउडर दोनों को मिक्स करके ये जो स्पेशली बना हुआ है गोजी बेरी एक्सट्रैक्ट एंड किनोना सीड के साथ, जो हमारी स्किन को स्ट्रेंथन दे रहा है, हमारी स्किन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ दे रहा है, जिससे स्किन का इम्यून पावर भी और अच्छा होता है। ओके मैं आपकी आईज़ में अप्लाई कर सकती हूँ। ओके जनरली ये इसके पहले हमें एम्फ्यूल लगाना चाहिए या मसाज करना चाहिए, आप क्लिनजिंग भी करके एक एम्फ्यूल भी दे देते हैं, साथ साथ वो क्या काम करेगा, मास्क के साथ वो स्किन के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट करवा देगा। आपका लिप्स भी कवर कर दूं? चलेगा?
जनरली हम लोग ये पूरा मास्क लेते हैं, पूरा एक वन फेस पे वन मास्क चला जाता है। बट अभी मेरे क्लाइंट की ड्रेस भी ना गंदी हो, अनइजी ना रहे उनके लिए, तो हमें बहुत सेटल में देखना पड़ता है मास्क को। चेयर मंगवा लो, चेयर। चेयर एक जितनी देर तक अभी इनका मास्क ड्राई होगा, इस मास्क की एप्लीकेशन के बाद इट विल टेक 10-15 to 20 मिनट्स। हमें जो क्लाइंट की स्किन में इतना टाइम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मास्क क्या है, हाइड्रेशन बेस्ड है, तो हाइड्रेशन के लिए हमें उसकी एप्लीकेशन का टाइम पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप कंफर्टेबल हैं? ओके, अभी जब तक मैं इनका मास्क ड्राई हो रहा है, मैं आपके साथ अपने सेकंड प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। वो भी मेरा हीरो प्रोडक्ट है, एक्चुअली आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे। एक और, एक चेयर और ले लो। आप में से कितने लोग हैं जो रीका के बारे में जानते हैं या रीका के यूज़र हैं? इतने सब लोगों में से सिर्फ एक या दो रीका यूज़ नहीं करते? आप लोग रीका के बारे में कितना सुन रखा है? आप यूज़ करते हैं? हाँ, गोजी मास्क। अभी जैसे कि मैम ने मुझसे पूछा कि आपने अभी इन पे जो मास्क लगाया है वो कौन सा है, अच्छा क्वेश्चन है इनका ये भी, एक्चुअली मुझे बताना चाहिए था यही। यो, मैंने इनके फेस पे मास्क अप्लाई किया है, दिस इज़ गोजी मास्क, जो स्पेशली गोजी बेरी फ्रूट के साथ बना है। हम अपनी ये हमारे मास्क की एक नई रेंज है, उसको हाईलाइट करना चाहते थे। मेरे पास अलग अलग स्किन टाइप के 10 तरह के मास्क हैं, ऑयली एक्ने का, सेंसिटिव, एजिंग, ऑल स्किन टाइप है। यस, गोजी मास्क ऑल स्किन टाइप है। रीका, आप में से रीका के बारे में कौन लोग जानते हैं या कौन लोग यूज़ करते हैं आप में से? रीका वैक्स, ओके ओके। सो रीका वैक्स के साथ आप जानते हैं, इटली का ब्रांड है, लिपोसॉल्युबल वैक्स है इस इंडस्ट्री का, ये भी एक मदर कंपनी है। एज़ वेल एज़ आज के टाइम पे आपको बहुत सारे ब्रांड्स मिलेंगे लिपोसॉल्युबल में। रीका ये भी 98% नेचुरल है, इसके इंग्रेडिएंट की स्टोरी मैं अभी यहाँ नहीं बता सकती, मेरे पास टाइम के लिए एक इशारा आ चुका है। एनीवे, अभी मेरे पास बॉडी का वैक्स है एंड लग्जरी लाइन है, एंड स्पेशली एक ब्राज़ीलियन वैक्स है, ब्राज़ीलियन जो कि हमारे सेंसिटिव पार्ट्स के लिए रहता है। तो अभी मैं आपके साथ जस्ट किसी को अपर लिप में ब्राज़ीलियन का ही डेमो देना चाह रही हूँ, तो किसी को अपर लिप पे, यस कम, अपर लिप पे मैं सिर्फ एक आपको एप्लीकेशन दिखाना चाहती हूँ कि ये स्ट्रिपलेस वैक्स है, विदाउट स्ट्रिप यूज़ होता है, कितना पेनलेस है, स्किन में कोई रेडनेस नहीं आने देता, एंड सबसे अच्छी बात यह है कि एवोकाडो से बना हुआ है। आप बॉडी वैक्स को एक बार अप्लाई के बाद सेकंड एप्लीकेशन नहीं देते हैं स्किन, क्योंकि आपने जो चीज़ क्लीन कर लिया आप उसके ऊपर बार बार लगाएंगे तो गड़बड़ है वो। लेकिन इस वैक्स को आप अपर लिप हो, फेस हो, 1 to 2 टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं, इट्स वेरी सेफ। ओके, प्लीज़ सिट हियर। ओके,
जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये वैक्स ट्रिपलेस है, इस वैक्स के लिए भी हमें, बट ऑब्वियसली आप दूसरी वैक्स करते हैं तो उसके अंदर आप टेलकम या कुछ भी लगाते हैं। रीका के साथ जब हम काम करते हैं तो हमें प्री वैक्स जेल लगाना पड़ता है। प्री वैक्स जेल इसलिए ज़रूरी है, ये स्किन को प्रिपेयर कर देता है, स्किन को सॉफ्ट करता है, एज वेल एज कोई क्लाइंट बाहर से आ रहा है, पॉल्यूशन है, स्वेटिंग है, सब उसको हम देखते हुए ये क्लीनिंग का करना ईजी हो जाता है। आप इसको लेंगे, जस्ट कॉटन पे आपने लिया, जस्ट वन ड्रॉप ये लेके आप एंड इसके बाद आप उसको थोड़ा सा सेटल कराएंगे। ये वेट नहीं रहना चाहिए, ड्राई हो जाना चाहिए, क्योंकि जब आप बहुत वेट होगा इसके ऊपर वैक्सिंग करेंगे स्लिप होगा, आपका वैक्स ठीक से होगा नहीं। इसके लिए थोड़ा सा वैक्स का टेम्परेचर कम होना चाहिए, मेरा वैक्स थोड़ा मेल्ट ज़्यादा है अभी, हाँ ये थोड़ा ज़्यादा है। बॉडी वैक्स जो होता है बहुत थिन एप्लीकेशन लगता है, बॉडी वैक्स जो रीका का है उसका जो लेयर होता है बहुत थिन रहता है, लेकिन ब्राज़ीलियन जो होता है ये थिक एप्लीकेशन होता है। ब्राज़ीलियन को हम बहुत थिन एप्लीकेशन नहीं दे सकते क्योंकि स्किन से रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक होता है क्योंकि इसका एप्लीकेशन का स्टाइल ही यही है। ओके मैं बहुत छोटे से पैच में आपको बताती हूँ, हाँ ओके नहीं अभी ऐसे नॉर्मल रखिए नॉर्मल। इसी को लेके मुझे इसको थिक करना है बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी थिन, बहुत थिन होगा एप्लीकेशन और निकालना दोनों मुश्किल हो जाएंगे। सो ये बहुत थिन था अभी, क्योंकि जब तक हमारी इसकी ग्रिपिंग, जब तक ये थिक नहीं लगाएंगे इसकी ग्रिपिंग नहीं बनेगी, इजीली इसमें हेयर पुल नहीं होंगे। इसकी एप्लीकेशन के बाद कुछ थोड़ा सा प्रेस करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, ये भी ड्राई हो जाएगा। ओके अगर जैसे अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अगर मेरा ये एरिया सेटल होता, थोड़ा सा आउटर लाइन थिकर होती तो मुझे इतना टाइम भी नहीं लगना था। जस्ट हम स्किन को स्ट्रेच करते हैं, पुल किया, इजीली हो गया। ओके अभी जैसे कि मैंने बताया है बहुत थिन था जिसकी वजह से ऐसे, नहीं तो थोड़ा सा थिक रहता है तो पूरा का पूरा पैच बहुत इजीली बाहर आ जाता है विद सिंगल सिंगल पीस में, पूरा वन एप्लीकेशन में ही। एंड अभी मैं इनको सॉरी नहीं, ये बहुत थिन हो गया, थिक होता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी हमारे पास जो बच जाता है उसके लिए फिर हम किससे रिमूव कर देते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स अगर वैक्स के फेस पे रह जाते हैं तब हम लोग विद द यूज़ ऑफ पोस्ट ऑयल लेके अच्छे से उसको स्प्रेड कर दिया, उसके साथ इजीली इसको आउट कर लेते हैं। आप बाकी का मेरे सेक्शन में आके कंप्लीट करवा लेना। इसको कंप्लीट कीजिए, यहाँ फिर वहाँ जाएंगे। ओके एक मिनट, ओके उनको चाहिए कंप्लीट तो मैं उधर कर देती हूँ अभी। एक्चुअली थोड़ा सा गर्म है अभी, इतना गर्म नहीं होता, थिक होता है तो आपको टाइम लग रहा है। आप दो मिनट वेट करिए, मैं इनका मास्क निकाली तब तक ये ठंडा हो जाएगा। ओके अभी मैं इनका मास्क रिमूव कर रही हूँ, टू मिनट्स।
ये अच्छा है, तब तक ये भी क्लीन हो जाएगा एंड आपका भी पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ओके, ये वन पीस में इनका मास्क पूरा बाहर आया है। मास्क बहुत ठंडा है। यस, एक्चुअली में ठंडा है। मेरे जितने भी मास्क हैं सारे बहुत एक क्योंकि एल्गे बेस्ड हैं सारे। वेट टिश्यू के साथ जो भी मास्क जो रेसिड्यू उसके रह गए हैं, जो मास्क है उसे हम क्लीन करेंगे विद द यूज़ ऑफ वेट टिश्यू। ड्राई कॉटन से मत करिएगा। अभी आप लोग देखेंगे कि इनके फेस पे, जबकि अभी प्रॉपर फेशियल नहीं हुआ, जस्ट क्लिनजिंग किया है एंड क्लिनजर के साथ ही स्किन में एक बहुत अच्छा रिजल्ट। ओके, सो मैडम एक मिनट प्लीज, जस्ट अ मिनट। ओके प्लीज, आप अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए। मतलब थोड़ा सा हेलो थोड़ा सा ठंडा जैसा लग रहा था मार्क्स में, और ठीक है, अच्छा है। क्या अच्छा है मैडम इसमें? अच्छा, मतलब थोड़ा सा ठंडा महसूस हो रहा था। हाँ, और भारी सा। स्किन को कैसा लग रहा है? बट पता नहीं चल रहा, हल्का हल्का सा लग रहा है। स्किन लाइट लग रहा है। ओके, बट एंड आप लोग को इनकी स्किन में कैसा डिफरेंस लगा क्लिनजिंग और मास्क के साथ? सो इनके लिए क्या होना चाहिए? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैडम। ये थोड़ा सा मॉइस्चराइजर दे रही हूँ मैं आपको, ये आप अप्लाई कर लीजिए प्लीज़, मैं आपको दे रही हूँ, आप ले लीजिए। ओके, आप नीचे जाके, थैंक यू सो मच मैडम। ओके, नहीं एक्चुअली ये वैक्स होना चाहिए, नहीं तो फिर मुझे टाइम लगेगा। जस्ट कुछ सेकेंड्स के लिए उसको ड्राई करना है। एंड अभी आपने देखा कितना इजीली ये आउट हो रहा है, बिकॉज हम इसका दोनों आपने देख लिया, क्लियर था, थिक लेयर बहुत इजी हो जाएगा, बट अगर इसका थिन लेयर है तो आपको प्रॉब्लम देगा। पूरा इस तरह से वन पीस में आपके पास आता है, जो पहले मेरे पास थोड़ा ब्रेक होके आ रहा था। कॉटन के साथ एज वेल एज आफ्टर वैक्स लोशन क्लीन, वाटर के साथ क्लीन नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर ग्लिसरिन रोजिनेट है, वो वाटर के साथ रिमूव नहीं हो सकता। हमें पोस्ट ऑयल की ही नीड रहती है, पोस्ट लोशन की नीड रहती है, एंटीसेप्टिक है एंड यूवी प्रोटेक्शन भी देता है। ओके, थैंक यू सो मच मैडम।
ओके, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बढ़िया, बहुत अच्छा रहा। आपको नहीं लगा? एक बार आप बताइए। बहुत बढ़िया रहा, जैसे हम लोग नॉर्मल वैक्स करते हैं उससे तो मतलब कुछ भी नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया, पेनलेस कह सकते हैं? एकदम पेनलेस। ओके ग्रेट, ओके थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप सब ने अपना भी वैल्यूएबल टाइम मेरे को दिया एंड सच में आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर योर पेशेंस, टाइम के आपने सब ने मेरी बात को सुना। ओके ऑल द बेस्ट आप सबके लिए, थैंक यू सो मच। ओके अब इससे ज़्यादा किसी के पास कुछ क्वेरीज हो, कुछ भी पूछना चाहती हैं, शायद पीछे से वो मैम बैठे थे, आप प्लीज़ मेरे सेक्शन पे आइए, कसमारा बूथ पे आके आप उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो डिस्काउंट है वो स्ट्रक्चर भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ओके बाय बाय।